नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। आज हम अपने खास कार्यक्रम सोसाइटी टॉक में बात करेंगे सटोरियों की। सट्टा यानी कि जुआ एक ऐसी लत है जिसको लग गई समझो बर्बाद हो गया। महाभारत के समय में भी जुआ ही एक बड़े युद्ध का कारण बना था। ना ही पांडव द्रौपदी को सट्टे में हारते और ना ही महाभारत होती। आज के समय में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चरम पर है। कभी राजनीतिक पार्टी तो कभी क्रिकेट मैच पर सटोरी सट्टा लगाते रहते हैं। कुछ सटोरी जीतते हैं तो कुछ हारते भी हैं, लेकिन उनकी ये लत उन्हें बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। ताजा खबर है भिलवाड़ा से। पुलिस ने शहर में लंबे समय से चल रहे ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग रैकेट का खुलासा करते हुए सरगना उसके पार्टनर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कारों के साथ 19 लाख की नकदी, 21 मोबाइल्स और अन्य सामान बरामद किया है। ये गिरोह करीब 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ भिलवाड़ा के सट्टा बाजार में काम कर रहा था। इस गिरोह के तार गुजरात सहित देश के कई बड़े शहरों में जुड़े हुए हैं। साथ ही गिरोह के संबंध नेपाल से भी होने की पुलिस ने संभावना यहां पर जताई है। आज हम सोसाइटी टॉक में इसी मुद्दे पर प्रदेश की जनता की राय जानेंगे। वही आज के इस मुद्दे पर राजधानी जयपुर की जनता की राय जानते हैं। व्यापारी ये तो गलती है। राजस्थान पुलिस को इसे कार्रवाई करनी चाहिए, बैन करना चाहिए, सब बैन होना चाहिए। हम रोज रोज टीवी में अखबारों में देखते हैं, रोज रोज सट्टे वाले पकड़े जाते हैं। इसमें आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान है और अपने जो नवयुवक है उनको सभी को नुकसान है। सर, जिस प्रकार सट्टे के व्यापारी दिन भर पकड़े जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम तेज करनी चाहिए और जोर डालना चाहिए और इनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के नव युवक भी इससे जुड़ चुके हैं और ये गंदगी फैले जा रही है समाज के अंदर। तो जिस हिसाब से भी इनके खिलाफ कोई कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो ये सट्टा बाजार चल रहा है ये बंद हो जाए जल्दी से जल्दी। जिस प्रकार राजस्थान में सट्टा बाजार बहुत सक्रिय हो चुका है, आज हम देख रहे हैं जो नव युवक हैं, आज के युवा हैं, वो इसमें लिप्त हो चुके हैं और प्रत्येक व्यक्ति सट्टा खेलने का आदि हो चुका है। इस पर ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है ना ही सरकार। और मेरा मानना है कि सट्टा बाजार का ज़्यादा सक्रिय होना इसलिए है क्योंकि न तो आज के युवाओं के लिए रोजगार है और जो बेरोजगार लोग हैं वो कुछ पैसे कमाने की चाह में इस प्रकार के जो गलत तरीके हैं वो अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये प्रदेश में सट्टा बाजार बढ़ रहा है, इसमें सरकार को चाहिए कि जो आज की युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध। वही इस बारे में जानते हैं कि लेक सिटी उदयपुर की जनता क्या कुछ राय रखती है। राजस्थान में सट्टे का कारोबार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, सालों से हो रहा है ये कारोबार, मगर इस पे कभी भी प्रशासन या सरकार की नजर नहीं पड़ी। इस कारोबार ने भी इतने पैर पसार लिए हर गांव गांव में और शहर शहर में कि इसमें जवान जो युवक है जिन्हें पैसों की लालच है या उनके घर से उनको पीछे पॉकेट मनी भी मिलता है तो वो लोग इन सट्टे बाजारों के अंदर लगा देते हैं और इसके ऊपर नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है सरकार को और प्रशासन को, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाला समय अच्छा हो, जिससे पीढ़ी भटके नहीं। राजस्थान में पिछले कई सालों से कई तरह के सट्टे होते आए हैं। अभी हाल ही भीलवाड़ा में जिस ढंग से क्रिकेट का सट्टा या डब्बा इन लोग सरकार ने पकड़ा है, ये नवयुवकों का नए जो नई पीढ़ी आ रही है इन लोगों को का जीवन खोखला कर रहे हैं और हर आदमी शॉर्ट तरीके से पैसे वाला बनना चाह रहा है इन सट्टों के कारोबार से। और इन दिनों में मैंने कई शहरों में भी देखा है कि जो सट्टा करने वाले जो हैं, जो युवक हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और वो बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और नए कानून लाके ये अवैध सट्टा वाले को जो पकड़े उनको
सजा का प्रावधान होना चाहिए। वही अजमेर की जनता आज भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है, सुनते हैं। राजस्थान में जो सट्टाबाजारी चल रही है उससे आमजन बहुत परेशान है। उनका परेशानी का कारण एक ही कारण है कि वो जो सट्टा लगाते हैं, जो पैसा दो पांच पैसे जो मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं, आमजन जो गरीब लोग होते हैं उनके परिवार में उस पैसों का सही आम का यूज नहीं करके उसको सट्टा में लगाते हैं। जो खाने पीने का जो पैसा होता है वो भी सट्टे में लगाते हैं। अगर उसमें कोई भी नफा होता है, नुकसान होता है, तो उनको उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। मैं भी राजस्थान पुलिस या राजस्थान से जो भी बड़े अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो राजस्थान के अंदर जैसे जैसे सट्टाबाजारी फैली जा रही है उसको कैसे ही करके रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में सट्टेबाजारी इतनी फैल जाएगी इसको रोकना, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सट्टाबाजारी को रोका जाए। जय हिंद। पूरे राजस्थान में सट्टे का कारोबार बहुत फल फूल रहा है और ये सरकारें किसी की भी हो, सट्टेबाज कभी बाज नहीं आते। कानूनी कार्रवाई पुलिस समय समय पर कानूनी कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी इन लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। इन लोगों ने घरों में इतनी घुसपैठ कर दी है, छोटे छोटे बच्चे इन क्रिकेट के और अन्य तरह के सट्टों के अंदर लिप्त है। लोग घरों में भूखे मर रहे हैं, लोगों के घरों में आत्महत्या हो रही है सट्टे के वजह से। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, सरकार को सख्ती इतनी बरतनी चाहिए कि कम से कम ये जितने बुकी चलते हैं, सट्टेबाज है, इनके ऊपर एक बार बंद हो तो कार्रवाई अच्छी हो, कानून बनाए, पास कराए ताकि जो आमजन है उनको राहत मिल सके। राजस्थान जिस तरह राजस्थान प्रदेश भर में हमारे जो सटोरियों का जाल फैलता जा रहा है, दिन ब दिन आए दिन पुलिस प्रशासन उन पर नकेल कसती है, लेकिन फिर भी आए दिन सटोरिये जो कि सट्टा बाजार एक तरीके का फैल चुका है पूरे प्रदेश भर में, इन्होंने जाल फैला दिया है इससे कि एक युवा जो एक लत नशे की होती है उसी तरह इस सट्टे में पड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर रहे हैं और भी अपने साथ जितने युवा है उनको भी अपना भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश भर राजस्थान के अंदर एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि उनके ऊपर सटोरी के ऊपर नकेल कसी जाए और पुलिस प्रशासन ताकि उससे नकेल से सटोरियों पर पाबंदी लगे। और ऐसा ये एक सटोरिया एक तरह का बिजनेस फैला लिया इन्होंने और ये तंत्र जाल जिस तरह अवैध शराबखोरी धंधा होता है इसी तरह उन्होंने एक व्यापार बना दिया और इन सटोरियों पर नकेल कसने के लिए एक ठोस कानून राजस्थान सरकार को बनाना चाहिए। इन दिनों प्रदेश स्तर पर सट्टे का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है जो आम जनता के लिए दुखदायी है। इसमें कई परिवारजन मौत के घाट उतर गए हैं क्योंकि उनके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ सट्टों पर आश्रित होते हैं और हमारी अशोक गहलोत सरकार से हमें ये अपेक्षा है कि वो इस सट्टे के कारोबार पर कोई एक अच्छा नया कानून लाए और इस पर रीति नीति से कार्य करे जिससे आमजन को इससे लाभ मिल सके। प्रशासन यावर में इस मामले में फिलहाल थोड़े टाइम पहले से सख्त हुआ है। युवाओं में कई परिवारों में जो ये सट्टे की वजह से एक जो परिवार उजड़ रहे हैं, युवा भ्रमित हो रहे हैं, युवा अपने कार्यों को छोड़ के सट्टे में लिप्त हो रहा है, युवा जो छोटे जो बच्चे हैं पढ़ाई करते करते सट्टे में लिप्त हो रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने की चाह में इस धंधे में जो आ रहे हैं। कई बार कई प्रकरण ऐसे आते हैं कि पैसा ना चुकाने की स्थिति में लोग अपने घर पर घर में मकान जमीन जायदाद गहने तक बेच देते हैं, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसके लिए प्रशासन को जागरूकता फैलानी पड़ेगी क्योंकि सट्टे का जाल बहुत नीचे तक फैल गया है और प्रशासन को साथ ही इसमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा या कानून में ऐसा संशोधन कराना पड़ेगा किसी सट्टों का कारोबार जिस तरीके से फल फूल रहा है बंद हो और इसमें कठोर से कठोर सजा हो। इस मुद्दे पर पिंडवाड़ा की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारा समाज जो है वो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत देश और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गरीबी रेखा और उससे नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां बहुत सारी बुराई है, उसमें से जुआ मटका और ये शराब तस्करी आदि ये बहुत सारी ऐसी बुराई है जिनसे समाज टूटता जा रहा है और खोखला होता जा रहा है। राजस्थान में हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारी कुरीतियां हैं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिससे बहुत सारे परिवार भी टूटते जा रहे हैं। जैसे कि जो पिता हैं
पूरे दिन मजदूरी करते हैं, कमा करके लाते हैं और शाम को उनकी जो बहुत बुरी लत है वो जुआ खेलने की, और जुआ खेलते हैं और पूरा जो पैसा मेहनत का उन्होंने दिन भर से जो कमाया है वो सब उसमें हार जाते हैं, और पीछे परिवार और उनके बच्चे जो हैं बुरी तरह से दुखी होते हैं, न तो स्कूलों की फीस भर पाते हैं, न स्कूल जा पाते हैं, मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, कि राजस्थान का जो युवा है, राजस्थान का जो समाज है, वो कहीं ना कहीं इस जुए की लत में, सट्टे की लत में ऐसा फंस गया है कि उससे उसका परिवार, उसके बच्चे, सब कुछ, उसका जीवन खराब होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम से समाज को फायदा मिलेगा और एक क्रांति आएगी और लोग मोटिवेट होकर के अपने जीवन को सुधारेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार भी इसके लिए खूब प्रयास कर रही है, जगह जगह छापे मार करके जुए खेलने वालों को पकड़ रही है, अपने स्तर पर गवर्नमेंट भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग इस बुराई में एकदम ऐसे फंसते जा रहे हैं जैसे वो एक नशे का शिकार हो गए हो और वो सब कुछ भूल करके इसमें ऐसे फंस गए हैं कि जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक राजस्थान समाज के लोग दृढ़ निश्चय होकर के संकल्प न लें कि हमें ये काम छोड़ना है, तब तक इसमें सुधार आना मुश्किल है। तो राजस्थान के निवासियों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके इस बुराई को, इस लत को, इस कुरीति को छोड़ें और मेहनत करके अपना जीवन यापन करें। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे सोसाइटी टॉक का, और आइए आप जानते हैं सीधा कि जोधपुर की जनता की राय क्या है, क्या कुछ कहना चाहती है सट्टे को लेकर जोधपुर की जनता। सट्टे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर घर में आज देख रहे हैं कहीं ना कोई सट्टे में लिप्त है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक या तो सरकार कोई कड़ा प्रावधान इसके अगेंस्ट में नहीं करे, कोई ऐसा स्टेप लेना ही पड़ेगा सरकार को ताकि ये इस पर रोक लगाई जा सके। जब तक ये कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ये चलता रहेगा, बाकी इसको रोका नहीं जा सकता, नहीं तो लोग छिपके या कैसे भी करके वो करते रहते हैं। तो सट्टे का कारोबार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल तो ऑनलाइन ऐप से भी लोग सट्टा खेलना शुरू कर दिया है। इसमें सट्टा खेलने वाले इतने ट्रेंड हो गए हैं कि मतलब कि सजा का प्रावधान है 200-300 रुपए की जमानत पे छूट जाते हैं। सरकार को इस पे कड़ा कठोर कानून करना चाहिए, तभी ये इस पे रोकथाम लग सकती है। सट्टे का कारोबार बहुत ही जोर शोर से फल फूल रहा है, इसके ऊपर सरकार को कुछ सख्त कार्रवाई करने का कुछ अच्छा नियम बनाना चाहिए और जो 200 रुपए वाला प्रावधान है उसको हटाकर कुछ कड़ी कार्रवाई हो, जेल हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें कड़ी सी कड़े सजा मिलेगी तो लोग सट्टा कारोबार में जाने से डरेंगे। और दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे शेयर मार्केट है वैसे अगर सरकार कुछ ऐसा करती है कि सट्टे को लीगली बनाए तो उस पर भी विचार कर सकती है, लीगल भी कर सकती है। मेरे हिसाब से दोनों पहलू जिन नीतियों पर अभी तक पूरा नहीं उतर पाई है कि सट्टे का कारोबार जोधपुर में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन सट्टा इतना जबरदस्त हो गया है, उसमें आम जो बेचारे यंगस्टर जवान लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उसमें ये हो रहा है कि सरकार के अंदर सिर्फ जब वो पकड़े जाते हैं जो सट्टे सट्टोरी है वो 200 रुपए देके छूट जाते हैं। अब यही है सरकार को इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाए जिससे सट्टोरियों को बाहर आने में दिक्कत हो और हमारे जो यंगस्टर भाई लोग हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं इस चक्कर में, उनका बचा। वही आज के इस मुद्दे पर कोटा की जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए ये भी सुनते हैं। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो थाने वाले हैं इनको पाबंद करे और आसपास का जो एरिया है इनकी टीम बना के इनको भेजा जाए, साथ में आसपास वाले जो आम लोग हैं इनको भी जागरूक होना चाहिए और इनको बताना चाहिए, पुलिस में थाने में जाके सूचना देनी चाहिए। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी आम लोगों को इकट्ठे होके और इसके विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। यहाँ तक ये सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए ताकि जिन लोगों को पकड़ा जाए एक बार तो दोबारा इसके लिए आगे कदम न उठाए। प्रशासन से मेरा एक ही अनुरोध है, जो ये सट्टा चल रहा है जहाँ से इसका प्रारंभ हो रहा है, जो बोला जाता है कि बॉम्बे से सट्टे को चलाया जाता है, मेन चीज वहां से इसको बंद करना चाहिए, उसके बाद ही ये अपने अपने राजस्थान छत्तीसगढ़ जो भी है जहाँ भी चलता है वहाँ ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। और इसको रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने चाहिए, अपने अपने थानों से गठित टीमों को बनाना चाहिए
अपने क्षेत्र में जाके इन ऐसे अपराधियों को ढूंढना चाहिए जो इस प्रगति का कार्य कर रहे हैं और रोकथाम करनी चाहिए। राजस्थान में सट्टे का जो सिस्टम है वो ज्यादा ही चल रहा है। अपन तो कोटा से बिलोंग करते हैं, कोटा में कुछ ज्यादा चल रहा है, कुछ अखबारों के माध्यम से भी पता लगता है कि उसमें भी सट्टे के नंबर आजकल आते हैं। लोग चौराहों पर सट्टे के नंबर देखते हैं और अपनी जो गाड़ी कमाई है वो उसमें खर्च करते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं और अपना सारा पैसा सट्टे में लगा देते हैं। प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रशासन को इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना चाहिए, इसे बंद करवाना चाहिए। सरकार से भी मैं आगाह करूंगा कि सरकार पूरे राजस्थान में इस सट्टे के जो कारोबार को बंद करवाने में अथक प्रयास करें। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश सोसाइटी टॉक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश।